सपा मतलब साफ, जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़कर के कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा डूबता हुआ जहाज है, उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है। हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत है उस पे भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और देश में 400 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। बारहवीं के सिलेबस से मुगल कालीन इतिहास को हटाया जाए, इसके लिए आपका क्या कहना? ये आपको क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं पूछ रहा हूं। और मैं समझता हूं कि 2014 से और 2023 के बीच में जितना मेरठ का विकास हुआ है उतना 60 साल में भी नहीं हुआ, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और अभी विकास का काम रुका नहीं है, जो रैपिड रेल है वह अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अब शिलान्यास हुआ है, लेकिन यहाँ से तो बहुत जल्दी आप सब लोग उससे यात्रा भी करोगे। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धियां हैं शहर की, एक तरह से मेरठ NCR का पार्ट बन गया है। मैं राजनीति का भी सवाल आपके आवे उससे पहले ही मैं कुछ आपको बोल देता हूँ। नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ, हम मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश के 17 के 17 नगर निगम में कमल खिलाएंगे। नगर निकाय के जो अन्य चुनाव नगर पालिका और नगर पंचायत हैं उस पे भी जबरदस्त विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। और जो विपक्ष में हमारे लड़ने वाले हैं निश्चित तौर से वह लड़े, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आज अगर हम डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गुजरात मॉडल या गुजरात से मोदी मॉडल जो चला, आज वही गुजरात का मोदी मॉडल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया, तो आज हम विकास के नए कीर्तिमान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी काम करते थे तो वह एक मॉडल बना है, और आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब काम कर रहे हैं तो पूरे दुनिया के लिए भारत मॉडल बन करके, मोदी मॉडल बन करके पूरी दुनिया में समय छाया हुआ है, धूम मची हुई है, मोदी ब्रांड इस समय भी कायम है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे विरोधी हमारे खिलाफ एक रहते हैं, लेकिन एक रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। और हमें जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है, अपनी डबल इंजन सरकार के काम पर भरोसा है कि हम हर हाल में यह 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और देश में 400 से अधिक सांसदों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने का काम करेंगे। पास सवाल हो तो मुझसे कर सकते हो। मुख्यमंत्री जी, मैं टीम रैंक्स अनमोल हूं, मेरा ये सवाल है, अभी बयान आया है अखिलेश यादव का नगर निगम कल नगर निकाय चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा है कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा, हर सीट पे लड़ेगा और भाजपा को सबक सिखाएगा। क्या सबक सिखाने वाला है? ये तो श्री अखिलेश यादव जी का बयान आप मुझे बता रहे हैं, मैं तो बयान बता रहा हूँ ना। सपा मतलब साफ, जो उनके साथ आए थे उनका साथ छोड़ करके कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। सपा का कोई भविष्य नहीं है, सपा डूबता हुआ जहाज है, उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है 2014 में, उसका पंचर उत्तर प्रदेश की जनता ठीक नहीं करेगी। और उनके साथ जो जाएगा वो जानता है कि अगर सपा डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे, इसे उनके साथ कोई रहना नहीं। बारहवीं के सिलेबस से मुगल कालीन इतिहास को हटाया जाए, इसके लिए आपका क्या कहना? ये आपको क्यों आपत्ति हो रही है? नहीं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थे पहले से, वो नहीं पढ़ाई जा रही, उसे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया, आज सच को पढ़ाने की तैयारी है उसका वेलकम। अखिलेश यादव का दलित प्रेम जा गया, कल काशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। दलित प्रेम नहीं जागा, वो सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी जागी है, और वह जब तक जागी रहेगी, जब तक सपा समाप्तवादी पार्टी बनने का जो एक अपना लक्ष्य लेकर काम कर रही है वो जब तक पूरा नहीं होगा उनका इस प्रकार का प्रेम। कभी सत्ता में रहेंगे तो पिछड़ों का विरोध करेंगे, दलितों का विरोध करेंगे, अगड़ों का विरोध करेंगे, गरीबों का विरोध करेंगे,
और जब सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो आज उनको प्रेम जागा है, या प्रेम जब सत्ता में थे क्यों नहीं जागा था? बहुत से वैसे प्रदेश अभी रामनवमी का जुलूस निकला तो वहां पे दंगे हुए, आपका विपक्ष समर्थन कर रहा है उनका, उनके बचाव में खड़ा हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए आप देखते रहो आगे आगे, यह देश जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, भाजपा शासित राज्य दंगा मुक्त है, वैसे ही आप देखना पूरा हिंदुस्तान दंगा मुक्त होगा। अब तुष्टिकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, देश को लूटो, देश को बांटो और राज करो, इस प्रकार की नीति के अंत का समय आ गया है। अब ऐसी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। जिन लोगों ने इस प्रकार के बयान दे करके विवाद खड़ा करने का काम किया है, जनता की अदालत में उनको कड़ी सजा मिली। विपक्ष का कहना है कि आप लोग ही दंगा करा रहे हैं और आप ही। देखिए विपक्ष जो कह रहा है उसके पास कोई मुद्दा नहीं, और जब ऐसी बातें कहते हैं, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है जहां घटना घटती है वहां घटना रुकती नहीं, तो इसका मतलब है कि वो इस प्रकार का अपराध करने वाले, इस प्रकार का दंगा करने वाले, इस प्रकार का पथराव करने वालों का संरक्षण करते हैं। लेकिन जहां भाजपा की सरकार है वहां दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती, तुरंत दंगों पे लगाम, जो विवाद हुआ चाहे कहीं कुछ दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की हमारी सरकार थी, लेकिन वहां ये तुरंत लगाम लगती है। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश इसलिए है कि यहां कमल का फूल खिला है। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली यहां सरकार। नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या है, सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर निगम में काफी हल्ला गुल्ला जाता है। नहीं, जो होगा भ्रष्टाचार जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। शिक्षा की बात, वहीं पर अगर शिक्षक एक एक व्यक्ति निश्चित तौर से चर्चा हुई, जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं उनका खुलासा करने, और खुलासा करने में जो सफल नहीं रहे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। अगर नई शिक्षा की बात करें तो नहीं, कि आज मीटिंग में कुछ उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम थी, मुझे बताया डीएम साहब ने, तो उस पर मैं, जब कोई व्यक्तिगत कारणों से कोई समस्याओं से नहीं आ पाया होगा तो ऐसी बातें नहीं, बाकी सारे अधिकारी आए थे। और जो निर्देश आज की तिथि में नगर निगम में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और डीएम ही अध्यक्षता कर रहे हैं, तो डीएम यहाँ मौजूद थे और उनको जो निर्देश देना। अगर शिक्षा की बात करें तो लगभग सभी स्कूलों में शिक्षकों को कमी है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन वहीं कुछ विभागों में सरकारी शिक्षक बैठे हैं। नहीं, जो कुछ विभागों में सरकारी शिक्षक बैठे, शिक्षकों की जहां कमी है उसको दूर करने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है, लेकिन जहां कोई कमी उसे दूर किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।